इस गणपति उत्सव पर चलिए हम लोग आज मिलके बनाते हैं बापा का फेवरेट प्रसाद राइस फ्लोर मोदक और शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स मोदक। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो पहले हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स मोदक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रोस्टेड चना, जो बाज़ार में मिलता है ना, उसको लिया है और उसका सारा छिलका निकाल के उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम के करीब डेट्स, उसका सीड्स निकाल के आधा घंटा पहले से मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी में उसको भिगो के रख दिया है, उसको भी पेस्ट बना के रख लिया है। अभी हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और जितना भी हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स उसको थोड़ा सा चॉप करके उसको रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कैश्यू 2 चम्मच, चॉप्ड कैश्यू 2 चम्मच, आलमंड्स 2 चम्मच, वॉलनट 2 चम्मच लिया है। आपके पास जो जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप ले सकते हैं, पीनट्स भी आप ले सकते हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और जैसे 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूखा नारियल यानी कि कोकोनट पाउडर मिला है। अगर आपके पास खोपरा यानी सूखा नारियल है आप उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के या फिर क्रश करके इसमें मिला सकते हैं। अभी थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, रोस्ट करने के बाद हम उसको निकाल देंगे। अभी उसी पैन में हम 2 चम्मच घी डाल के जो खजूर का पेस्ट बना के रखे थे उसको हम रोस्ट करेंगे। उसको रोस्ट करने से क्या होगा ना, उसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो सूख जाएगा और हमको आसान होगा मोदक बनाने के लिए। तो फिर हम उसको 2 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद देखेंगे, 2 मिनट के बाद उसका पानी सूखने आया, फिर जो हमने जो चना का पेस्ट बना पाउडर बना के रखे थे उसको 2-2 चम्मच करके मिलाते जाएंगे और फिर से रोस्ट करेंगे। तो ऐसे ही रोस्ट करते करते 2-5 मिनट के बाद देखेंगे कि सारा पानी जो है वो सूख गया है और जो चना है वो उसे मिल गया है। अभी हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे रोस्ट करके उसको भी उसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद उसको थाली में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस साल कौन सा मोदक बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखना। पापा के लिए आप लड्डू प्रसाद में चढ़ाते हैं या मोदक, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखना। हाँ, अभी हमारा जो हमने नट्स डाल के उसको खजूर का पेस्ट हमारा सूख गया है तो उसको हम निकाल लेंगे थाली में और ठंडा करेंगे। फिर ठंडा करने के बाद हम उसमें से मोदक बनाएंगे। तो मोदक बनाने के लिए हमको मोल्ड चाहिए। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड ले सकते हैं या फिर नहीं तो हाथ में भी बना सकते हैं। तो अगर मोल्ड है, आजकल तो मोल्ड मिल जाता है ऑनलाइन में, तो मोल्ड को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए घी लगा के, फिर उसमें से जो काजू का पेस्ट है उसको दे के अच्छे से प्रेस कर लीजिए तो हो जाएगा, हमारा मोल्ड बन जाएगा। अभी तो इसमें जो नट्स है, खजूर है, अभी हम इसमें से कोई स्टफिंग डालना नहीं चाहिए, बस इसको ऐसे ही बना के एक एक करके उसका मोल्ड में अंदर दे दीजिए और प्रेस करके उसका निकाल दीजिए। आपका मोदक रेडी हो गया। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो इस हाथ में भी ऐसे बनाएंगे। हाथ में बनाने के लिए आप थोड़ा सा डो लीजिए और हाथ को अच्छे से गोल करके फिर उसको कोन के आकार दे दीजिए, और कोन के आकार देने के बाद उसके जो एक स्पून लीजिए और स्पून का जो पिछले वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम उसका डिजाइन बना दीजिए, बना देंगे तो भी हमारा मोदक रेडी हो जाएगा। देखिए, हम चाहे लड्डू बनाएं या मोदक, चाहे कोन के आकार हो या फिर सर्कल साइज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पापा को हमारा भक्ति और श्रद्धा चाहिए। तो अगर हम भक्ति में जो भी आकार बना देंगे पापा उसे स्वीकार कर लेंगे। तो अगर मोल्ड है तो मोल्ड बना दीजिए, नहीं तो हाथ में भी ऐसे बना के रख लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा नारियल का जो नारियल का पाउडर है उसके ऊपर छिड़क दीजिए तो हमारा ड्राई फ्रूट मोदक बनके रेडी हो गया। तो अभी हम बनाएंगे राइस फ्लोर मोदक। तो राइस फ्लोर मोदक के लिए मैंने यहाँ पर नारियल का स्टफिंग बनाया है। आप चाहे तो छेने का स्टफिंग बना सकते हैं या फिर मूंग दाल का भी स्टफिंग बनता है। तो फिर आप इसका जो पहला मेन पार्ट है उसको राइस फ्लोर का डो बनाना। तो राइस फ्लोर का डो बनाने के लिए आप एक कटोरा सेट कर लीजिए या फिर बॉल, जो बॉल में आप राइस फ्लोर लेंगे, अगर एक बॉल आप राइस फ्लोर लेंगे तो उसी के हिसाब से आप दो बॉल आप पानी लीजिए और पैन में पानी दे के अब जैसे ही पानी में उबाल आए उसमें एक चुटकी नमक और 1 चम्मच घी डाल दीजिए और उस जब पानी में जैसे उबाल आए उसको नीचे ले आए, फिर उसमें आप राइस फ्लोर मिलाइए।
राइस फ्लोर क्या होता है ना, जल्दी से पानी सोख कर लेता है और गुठली बन जाता है, तो इसलिए उसको नीचे ले आके फिर आप उस पर राइस फ्लोर मिलाइए और थोड़ा सा उलट पलट करके फिर ढक के 2-3 मिनट के रख लीजिए। 2-3 मिनट के बाद उसको थाली में निकालिए, हाथ में थोड़ा ग्रीस घी लगा के उसको ग्रीस करके फिर उसको अच्छे से नीट करें और एक छोटे छोटे गोला बना के उसके अंदर नारियल का स्टफिंग या फिर जो भी आप स्टफिंग बनाए हैं उसको दे के फिर आप गोल गोल कर सकते हैं। ऐसे ही आप मोदक बना सकते हैं या फिर आप कोन के आकार का भी बना के मोदक बना सकते हैं हाथ में। अगर आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड के अंदर थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर दीजिए, फिर चावल का स्टफिंग उसमें डाल के चावल का डो उसमें डाल के उसके अंदर स्टफिंग डाल दीजिए। उसको थोड़ा सा स्टफिंग डालना चावल के स्टफिंग में, उसका नीचे वाला जो होल होता है उसमें से अंदर से आप स्टफिंग का डालना होता है, तो बस उसी का आप ध्यान रखें तो उसका आपका राइस फ्लोर का मोदक भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जितना भी बनाया था आप मेरा बन के रेडी हो गया है। अभी हम उसको चावल का डो है तो इसलिए उसको फिर से स्टीम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हो तो लाइक करके मुझे ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिए। और आपका कमेंट ही मुझे इंस्पायर करता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये देखिए हमारा जो सारा का सारा डो मोदक है और रेडी हो गया है। अभी हम उसको स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर केले के पत्ता लिया है, यहाँ पर अगर केले के पत्ता है तो आप केले के पत्ता ले लीजिए, नहीं तो वो जो स्टीमर का जो प्लेट है उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लीजिए और उसके ऊपर सारा मोदक रख के 5-7 मिनट तक स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने से पहले मैंने यहाँ पर हर एक मोदक के ऊपर एक एक करके केसर का पत्ता लगा दिया था। अगर आपके पास केसर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप मोल कर स्टीम कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा राइस फ्लोर मोदक का भी रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, इस साल पापा को आप राइस दोनों मोदक बना के पापा को प्रसाद चढ़ाइए, खुद खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं और एक वीडियो में। जय जगन्नाथ।